लगभग 20 से भी अधिक वर्षों तक नेपोलियन के युद्ध झेलने के बाद यूरोप का मिजाज अब कुछ बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा था। यह समय था 1814 का, जब नेपोलियन की हार के बाद उसे एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया था। इस युद्ध के बाद विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सितंबर 1814 को एकत्रित हुई। विश्व इतिहास पर शुरू धेआईएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। वियना में एकत्रित हुई इन विजयी शक्तियों का उद्देश्य यूरोप के उस मानचित्र को व्यवस्थित करना था जिसे नेपोलियन ने अपने युद्धों से तहस नहस कर दिया था। नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे को कुछ ऐसा बना दिया था कि अब किसी भी देश को यह स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उसकी सीमाएं कहां तक लगती हैं। विजयी राष्ट्रों की इस सभा को ही वियना कांग्रेस कहा गया, जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था। परंतु अगर घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इसका वास्तविक उद्देश्य जीती हुई संपत्ति का विजयी शक्तियों में बंटवारा करना था। दरअसल वियना कांग्रेस के तीन प्रमुख उद्देश्य थे, जिनमें पहला था विजयी राष्ट्रों को पुरस्कार तथा हारे हुए राज्यों को दंड देना। दूसरा था कि जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए, तथा तीसरा था कि यूरोप में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। यूं तो वियना कांग्रेस में कई सारे देश शामिल हुए थे, पर कांग्रेस का वास्तविक नियंत्रण सिर्फ चार राष्ट्रों के पास ही था, और वो थे ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशिया और इंग्लैंड। इसके अलावा फ्रांस भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। इस कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की, जो नेपोलियन की विचारधारा का कट्टर विरोधी था। वियना कांग्रेस के दौरान कई सारी चर्चाएं की गईं और उन चर्चाओं के फलस्वरूप यूरोप में कई सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इसका मतलब था कि कोई देश इतना शक्तिशाली ना बन पाए कि वह दूसरों के लिए खतरा बन जाए। इसलिए फ्रांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, बबेरिया तथा सार्डिनिया का विस्तार किया गया, ताकि फ्रांस को चारों तरफ से मजबूत राष्ट्रों से घेरा जा सके। इसके अलावा वैधता का सिद्धांत दिया गया, यानी क्रांति के पहले वाले यूरोप के मानचित्र को वैध बताकर उसी के आधार पर सीमाएं तय की गईं। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी दिया गया, जिसके तहत उन राज्यों को पुरस्कार दिया गया जिनका नुकसान नेपोलियन ने किया था, तथा उन राज्यों से हर्जाना वसूला गया जिन्होंने नेपोलियन का साथ दिया था। अगर वियना कांग्रेस के फैसलों पर नजर डालें तो यह साफ पता चलता है कि इसने कुछ चुने हुए देशों को खूब लाभ दिया तथा कुछ राज्यों के साथ घोर पक्षपात किया। जैसे नेपोलियन ने जिन राज्यों को फ्रांस में शामिल किया था उन्हें फ्रांस से छीन लिया गया, तथा फ्रांस में फिर से पुराने राजवंश को स्थापित कर दिया गया, और इसका लाभ इंग्लैंड जैसे देशों ने लूटा, जैसे माल्टा, सेंट लूसियाना, मॉरिशस जैसे द्वीप फ्रांस से लेकर इंग्लैंड को दे दिए गए। प्रशा को उत्तरी सैक्सनी, सलासापेल तथा त्रिले के प्रदेश दे दिए गए, और इस तरह से प्रशा का राज्य लगभग पहले से दोगुना हो गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया व रूस ने भी लाभ लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ऑस्ट्रिया को वेलेशिया तथा लोम्बार्डी के प्रदेश दे दिए गए, वहीं रूस को वारसा तथा वेसरोविग मिल गया। कुछ देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क और इटली को दंड मिला। इटली को तो कई छोटे छोटे प्रदेशों व स्थानीय राजाओं में बांट दिया गया। इस प्रकार से जिस वियना कांग्रेस को यूरोप की शांति व सुचारू व्यवस्था के लिए बनाया गया था, वह निहित स्वार्थी व बहुरंगी लोगों की एक भीड़ निकली, जिसका उद्देश्य कुछ और ही था। वियना कांग्रेस कई मायनों में फेल रही, क्योंकि सभी बड़े राज्य
स्वार्थवश ज्यादा से ज्यादा भौगोलिक हिस्से हथियाने में जुट गए थे। इसके साथ ही वियना कांग्रेस ने जनता की अवहेलना भी की। इस दौरान ना ही जनता को इसमें शामिल किया गया और ना ही किसी ने यह जानने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है। वैसे इन सब के अलावा इस कांग्रेस के कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। जैसे वियना कांग्रेस ने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति व्यवस्था कायम रखी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व की पहली ऐसी सभा बनी जिसकी आधारशिला पर आगे चलकर लीग ऑफ नेशंस व संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ। इसके साथ ही इस कांग्रेस ने पराजित शक्ति होने के बावजूद भी फ्रांस को कांग्रेस में सम्मिलित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस भले ही अपने वास्तविक उद्देश्यों को न पा सकी, फिर भी इसने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव की तरह जरूर कार्य किया।